नमस्कार आदाब। सरहद के दौरों के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में मुश्तकिल करने की मांग को लेकर आरजी मुलाजमीन का एहतजाज जारी। रमजान के दौरान पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम को चुकानी पड़ रही है खुर्दनी अशिया की दोगुनी कीमतें। और श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ बाजारों में गिजायत और लज्जत से भरपूर खजूर मेवे को हाथों हाथ खरीद रहे हैं रोजेदार। गिलगित बल्तिस्तान में बेरोजगारी का बुरा हाल है और रही सही कसर कोरोना वायरस ने पूरी कर दी है, जिसकी वजह से नौकरियों के मौके बिल्कुल सूख गए हैं। वैसे ताज्जुब की बात यह है कि अवाम की जद्दोजहद नौकरी पाने के बाद भी खत्म नहीं हो रही है। बेशतर अफराद को बिना नोटिस दिए मनमाने तरीके से निकाला जा रहा है। इस वजह से पूरे खित्ते में अफरा तफरी मची हुई है। हजारों की तादाद में मुलाजिम फौरन से पेशतर परमानेंट होना चाहते हैं, इसलिए वो लोग आए रोज एहतजाज कर रहे हैं। कभी वजीर आला हाउस के सामने तो कभी चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर के बाहर इन एहतजाजों का धरना जारी है। मजीद तफसील देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में जकड़ा हुआ ऐसा एक इलाका है जिसे इस गुलामी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से पाकिस्तान ने इस इलाके को जमकर लूटा खसोटा। न तो पाकिस्तान हुकूमत ने और न ही मकामी हुकूमत ने अवाम को अपनी तरफ से कभी कोई राहत या इमदाद दी। अब ऐसे वक्त में जब ये पूरा इलाका नोवेल कोरोना वायरस की जद में है, तब भी हुकूमत का अवाम के साथ सौतेला रवैया खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ताजा मामला सरकारी नौकरी कर रहे तकरीबन 6,000 आर्जी मुलाजमीन का है, जो हुकूमत की यकीन दहानी और असेंबली में इससे मुतालिक एक्ट पास किए जाने के बावजूद अभी तक मुस्तकिल नहीं हो सके हैं, इसलिए इन्होंने एहतजाज का रास्ता अपनाया है। ये रमजान और मुबारक के मुकद्दस महीने में यहाँ पर जो है वो दर बदर है कई दिनों से। हम ब्यूरोक्रेसी को ही रुकावट समझते हैं, इसीलिए हम इनके दरवाजे पर यहाँ बैठे हुए हैं। ये सियासतदान तो कठपुतली हैं, इनकी कोई खास हैसियत मुझे नजर नहीं आ रही है। तो आपको पता है यहाँ पर ये ब्यूरोक्रेसी ही मजबूत है, तो ये इनको अमल दरामद करने की शायद इजाजत नहीं दे रही होगी, इसीलिए ये अमल दरामद नहीं हो रहा है। वरना अभी तक इस पर अमल दरामद होना चाहिए था। एक साल का अरसा गुजरा है, एक्ट को मंजूर हुए। गुज़िश्ता बरस से यानी कि जब से कोरोना की वबा फैली है, तब से बहुत सी जगहों पर सरकारी और निजी मुलाजमीन की हौसला अफजाई के लिए उन्हें ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, जिससे वो दोगुने जोश के साथ काम करें। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का तो निजाम ही शुरू से उल्टा रहा है। यहाँ पैसे बढ़ाने और बोनस देने की बात कौन कहे। मुलाजमीन को नौकरी से निकालने का इंतजाम किया जा रहा है। यही वजह है कि आरजी मुलाजमीन को कई बरस की मुलाजिमत के बाद भी अभी तक मुस्तकिल नहीं किया गया है। बहरहाल अब मुलाजमीन की हड़ताल का मामला सियासी रंग इख्तियार कर चुका है और इन्हें तावुन देने के लिए सियासी जमातें भी इस मामले में कूद पड़ी हैं। मुतालिबात इसलिए जायज है कि इसके ऊपर एक कानून साजी हुई है। असेंबली ने कानून बनाया इनके सर्विसेज को रेगुलर करने के लिए। वो कानून मुख्तलिफ अदालतों से वैलिडेट हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान की चीफ कोर्ट ने भी वैलिडेट किए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने भी वैलिडेट किए। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है उस कानून पर अमल दरामद को रोके। हुकूमत की जिम्मेदारी है, इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। इसलिए हमारे भाई आज धरने में हैं, एहतजाज में हैं, हम इनके साथ हैं। हमारा भी मुतालिबा है कि इनकी सर्विसेज को रेगुलर किया जाए, इनको मौका दिया जाए कि अपने घर का निजाम चला सकें। कोरोना की वजह से हुकूमत को होने वाली आमदनी में कमी आई है, ये बात तो 100% सही है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि इस पसमानदा खित्ते के लोग पहले से ही काफी गरीब हैं और कोरोना की वजह से उनकी कमर टूट गई है। उन्हें हुकूमत से माली पैकेज की दरकार है।
इस सिमत में मुख्तलिफ वफद ने गिलगित से लेकर इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों को खत लिखा है और अपनी मजबूरी बयान की है। इस्लामाबाद ने थोड़ा बहुत पैसा भेजा भी, लेकिन वो पैसा कोरोना से निपटने के कवायद में खर्च हो गया। ऐसे में मकामी हुकूमत को ज्यादा फंड की मांग करनी चाहिए थी, क्योंकि इस इलाके से सारा टैक्स तो इस्लामाबाद ही वसूल करता है, लेकिन मकामी हुकूमत में इतनी हिम्मत ही नहीं है। इसलिए उसने आसान रास्ता इख्तियार करते हुए आरजी मुलाजमीन को बर्खास्त करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि डरे सहमे मुलाजिम मुश्तकिल होने के लिए एहतजाज पर बैठ गए। आज सातवां रोज है यहाँ पर, कोई मुजाकरात के लिए एक दफा आए हैं, उसके बाद हमसे पूछा भी नहीं है, खुद ही डेडलॉक का शिकार रहे हैं। हमारे ऐसे नाजायज मुतालिबात भी नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे पुरअमन तरीके से बैठे हैं। यहाँ पर जीबी के तमाम 10 जिला के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, फसू से लेके गोजाल, खुंजराब से लेके चतराल तक, बुलतरी से लेके हंजानगर तक, यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन्होंने ये अहद किया है कि ये लोग वहाँ यहाँ से वापस नहीं जाएंगे जब तक इनको इम्प्लीमेंटेशन के ऑर्डर नहीं मिलते हैं। इस वक्त माह रमजान चल रहा है, ऐसे वक्त में आवाम का खर्च बढ़ जाता है। लोग शहरी और इफ्तार का इंतजाम करते हैं, ईद की तैयारी के लिए भी पैसों की दरकार होती है, लेकिन हुकूमत ने मानो इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी। ऐसा लग रहा है कि वो इन सभी बातों से अनजान है। जब भरपूर कोशिश करते हुए अवाम की झोली भरने की कोशिश करनी चाहिए थी, तो हुकूमत ने उनके वाजिब हक पर भी डाका डाल रखा है। इस अज़ियत से नाराज मुलाजमीन में गुस्से की लहर उठना लाजमी है। ये तो अभी कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा करने से लोग गुरेज कर रहे हैं, वरना ये मुलाजमीन तो हुकूमत की ईंट से ईंट बजाने पर आमादा हैं। कोर कमेटी का इजलास अभी हो रहा है कैबिनेट मेंबरान से, अगर जू ही वो आते हैं उसके बाद लाए अमल तय होगा। धूप हो या बारिश, तूफान हो या कुछ भी हो, लेकिन हम यहाँ धरने पे जमे हुए हैं। इंशाल्लाह जब तक हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होते तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। हमारी बहनें भी होती हैं, हमारे बच्चे साथ, वो अपने बच्चों को भी लेके आती हैं, हमारे जवान हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ पे बैठे हुए इस धरने में। हम हुकाम बाला से अपील करते हैं, खुदारा रमजान का महीना है, इन गरीब आवाम पे रहम करें, तरस खाएं। गिलगित बल्तिस्तान में मुलाजमीन की जद्दोजहद का कोई मुसबत नतीजा निकलेगा, इसकी उम्मीद कम ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस खित्ते की तारीख गवाह रही है कि यहाँ हकदार को कभी हक से नवाजा नहीं गया। तालीम याफ्ता, बासऊर और काबिल अफराद को हमेशा हाशिए पर रखा गया और कम सलाहियत वालों को नवाजा गया। यही गिलगित बल्तिस्तान जैसी अंधेर नगरी का दस्तूर है, जहाँ निजाम तो तब्दील होता रहता है, लेकिन लोगों की जिंदगी में कोई खुशनुमा तब्दीली कभी रोनुमा नहीं हुई। गिलगित बल्तिस्तान में बेहतर रोजगार के लिए लोगों की जद्दोजहद देखने के बाद अब लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहां पर अवाम को जल्द से जल्द इंसाफ पहुंचाने के लिए अदालती निजाम की जानिब से कई ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। इसके लिए जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर के दीगर हिस्सों में लोगों तक इंसाफ की फराहमी के लिए मुख्तलिफ तरीकेकार को अमल में लाया जा रहा है। इसमें नेशनल लोक अदालतों को मुनक्किद किया जाना भी शामिल है। इस सिमत में जम्मू कश्मीर के सभी अजला की तरह पुंछ में भी नेशनल लोक अदालत का एहतमाम किया गया, जिसमें मौके पर ही मकामी अवाम के छोटे बड़े मामलों को फौरन हल किया गया। इसके साथ ही वर्चुअल अदालतों के जरिए दूरदराज इलाकों से लोगों के केसों की सुनवाई की गई। मौजूदा वक्त में अदालती निजाम की जानिब से यही कोशिश रहती है कि मुआशरे के हर फर्द को कम वक्त में ही इंसाफ मिले। इसके लिए नेशनल लोक अदालतों को कामयाबी के साथ लगाया जा रहा है, जिससे इंसाफ पाने वाले फरीकेन के वक्त और पैसे दोनों की बचत हो रही है, जिसकी मिसाल हालिया दिनों जिला पुंछ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दिखाई दी, जहां लोगों के आपसी विवाद, बिजली पानी के बिलों में गड़बड़ियां और छोटे बड़े मामले को सुलझाया गया।
इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुंछ की हिदायत पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की बेंचों के जरिए लोगों के मसाइल दूर करने की कोशिश की गई। ये जो लोक अदालत की जाती है उसमें लोगों को जो है फौरी तौर रिलीफ मिलता है, तो उसी तर्ज अमल पर आज हमने जो आज की ये जो नेशनल लोक अदालत रखी है ये पूरे मुल्क भर में हो रही है और यहां भी इसका इनकार किया गया है। इसमें हमने कोई 8 बेंच बनाए थे और उसमें जितने भी ये पोस्ट लिटिगेशन केसेस थे अराउंड 250 केसेस हमने इसमें रखे हैं और अभी तक कुछ केसेस का जो है उनका निपटारा हुआ है, कुछ का होना बाकी है। कुछ बरस कबल मुख्तलिफ अदालतों में लोगों के छोटे बड़े मामलों पर फैसला आने में काफी वक्त लग जाता था, लेकिन इन एक रोजा अदालतों से जहां एक और कोर्ट में पेंडिंग पड़े केसों की तादाद में कमी लाई जा रही है, तो वहीं दूसरी जानिब ऐसी अदालतों के जरिए लोगों की परेशानियों को कम करने में काफी मदद मिल रही है। दूर दराज इलाकों से मुतालिक इलाका मकीनों की सहूलत के लिए वर्चुअल कोर्ट में केसों की सुनवाई का भी इंतजाम किया गया है। ये लोक अदालत जो है गरीब आवाम के लिए एक सुनहरी मौका रहता है कि जहां पर भी कुछ ऐसे मसाइल रहते हैं कि कुछ घरेलू मसाइल होते हैं या दूसरे जितने भी मसाइल होते हैं, कई अरसा तक वो जो है उन लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं और वकला के पास जाना और दीगर कई मामलात से जो है उनको गुजरना पड़ता है। लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव जो है ये हिंदुस्तानी अदलिया की तरफ से लिया गया है कि वो मुख्तलिफ जितने भी कोर्ट्स होते हैं वहां पर ये लोक अदालत का एक समारोह मुनक्कर किया जाता है और उसमें जितने भी केसेस आते हैं और उन्हें जो है इफ़हाम व तफ़हीम के साथ ऑन स्पॉट उनका हल कर दिया जाता है। कोरोना वबा को देखते हुए जिला पुंछ में मुनक्किदा नेशनल लोक अदालत में सभी एसओपीज का पूरा ख्याल रखा गया। नेशनल लोक अदालत की जानिब से किए गए फौरी फैसलों से लोग भी काफी मुतमईन दिखाई दिए। इन अदालतों में लोगों के केस दोनों फरीकेन के आपसी रजामंदी से निपटाए जा रहे हैं, जो कि लोगों को छोटी बड़ी दिक्कतों से निजात दिलाने वाला साबित हो रहा है। तो लोक अदालत का एक ऐसा फायदा है कि उनके जो केस है वो जल्द से जल्द निपटारे जाते हैं और साथ में जैसे कि बिजली के बिल हो गए, जो कई दूर दराज रहने वाले जो लोग हैं जिनके बिल बहुत ज्यादा आते हैं तो वो भी यहाँ पे कम हो सकते हैं, माफ तो नहीं हो सकते लेकिन थोड़े बहुत जो उनको राहत दी जा सकती है। और उसी के साथ साथ बताऊं कि जैसे कि आपको पता है कि कोविड जो है कोविड-19 जो है उसकी दूसरी लहर भी काफी जोर शोर से चल रही है, तो उसके जो प्रिकॉशंस हैं वो भी यहाँ पे पूरी तरह से फॉलो किए जा रहे हैं। कम से कम लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है जिससे मतलब सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से पालना की जा सके। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोगों के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अदालतों तक पहुंच जाते हैं। इनमें कई मामले ऐसे भी हैं जो डेली बेसिस पर कम वक्त में निपटाए जा सकते हैं। इस बात को देखते हुए मुनक्किद होने वाले नेशनल लोक अदालतें ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम वक्त में इंसाफ दस्तयाब करवाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। यही वजह है कि अदालती निजाम की जानिब से मुनक्किदा नेशनल लोक अदालतों की ओर लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादले ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है, तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। जीबीएनएस पाकिस्तान ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान की पिछली हुकूमत की जानिब से दनियोर पुल के पास एक पाक को तैयार करवाया गया था जो कि अब बहुत बुरी हालत में है। पाक में सूखे दरख्त, टूटी फूटी बेंच लाइटें और हर तरफ आलूदगी का ढेर मुतालिका इंतजामिया की नाअहली को बयान करता है। इंडिजिनस काराकोरम ने ट्वीट किया है कि हाल ही में काराकोरम शाहरा पर बर्फ के तोदे गिरने का हादसा पेश आया। गिलगित बल्तिस्तान में 7,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं, जिनमें बहुत सारे ग्लेशियर्स मौसम की तब्दीलियों के सबब पिघलते जा रहे हैं।
जमील मकसूद ने ट्वीट किया है कि मुजफ्फराबाद के तालिब इल्म अपने तालीम के हक के लिए सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हुकूमत को इनके पुरअमन मुतालबात को पूरा करने के लिए मुस्बत इकदाम करने चाहिए। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि कोरोना वबा के ताज़ा मामलों को देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हाई लेवल मीटिंग की सरबराही की, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने को लेकर अहम फैसले किए गए। कश्मीर पीवट ने ट्वीट किया है कि इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए भारतीय फौज ने गलती से सरहद पार करने वाले पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के एक और शहरी को पुंछ रावलाकोट क्रॉसिंग प्वाइंट पर पाकिस्तानी अथॉरिटीज को सौंप दिया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने ट्वीट किया है कि जिला कुपवाड़ा के लांगेट इलाके में दूरनाक ब्रिज पर 200 मिलीमीटर डायमीटर का पाइप लगा है। इससे लांगेट, बटपोरा और यारू इलाके के मकामी लोगों को पानी दस्तयाब होगा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में रमजान के आवक के साथ ही अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है। यहां जरूरी अशिया के सामानों की कीमत पहले से ही काफी ज्यादा है, जो रमजान की वजह से मजीद बढ़ गई है। अवाम हुकूमत से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा की तरह बेपरवाह नजर आ रही है। हुकूमत ने रमजान के दौरान जगह जगह सस्ता बाजार लगाने का दावा जरूर किया, लेकिन अवाम को हर जगह सामान दोगुने दाम पर ही नसीब हो रहा है। मुजफ्फराबाद के अवाम की बेबसी और मजबूरियों पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। माह रमजान में जब दुनिया भर के मुसलमान खुदा की इबादत में मशगूल हैं, इस दौरान भी पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों का वक्त अपने हुक्मरानों को कोसते हुए गुजर रहा है। रमजान के दौरान जरूरी अशिया की कीमतें 2 से 3 गुना ज्यादा हो गई हैं। ऐसे में सहरी और अफ्तार का बंदोबस्त करना भी गरीब अवाम के लिए भारी पड़ रहा है। अवाम बाजार तो जाते हैं, सामान का रेट पूछते हैं और मायूस होकर घर लौट आते हैं। कोई हुकूमत को कोसता है तो कोई दुकानदारों को, कोई महंगाई के लिए काला बाजारी को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो कोई नाकिस पॉलिसियों को। रमजान के महीने की स्टार्टिंग से ही ईद तक जो है कि महंगाई हो जाती है और हुकूमत और इंतजामिया ने कोई भी चेक एंड बैलेंस यहाँ पे नहीं रखा हुआ। लोग भी ख्वार हो रहे हैं और मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है और इंतजामिया से भी दरख्वास्त है, वो मार्केट में आकर चेक एंड बैलेंस का काम करें और लोगों को रिलीफ मुहैया करें। अवाम का सवाल है कि आखिर माह रमजान के दौरान हर साल कीमतों में इतना इजाफा कैसे हो जाता है? आखिर चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम क्यों नहीं है? ऐसा लगता है कि हुकूमत और इंतजामिया भी जमाखोरों और मुनाफाखोरों से मिली हुई है। नहीं तो क्या वजह है कि हुकूमत के कहने के बावजूद बेशतर दुकानों पर रेट लिस्ट नहीं लगी है? दुकानदारों पर न कभी छापा पड़ता है और न कभी उनके साथ सख्ती होती है। जब भी रमजान मुबारक आता है तो यहाँ महंगाई अरूज पे पहुंच जाती है। दीगर ममालिक में आप देखें, जब उनके मजहबी त्यौहार आते हैं तो वहाँ पे वो चीजें अशियाए खुर्दनोश जो होती हैं वो सस्ती कर देते हैं। बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान की आजाद कश्मीर यह है कि यहाँ चीजें महंगी कर दी जाती है। रावलपिंडी में मैंने पता किया, ये टमाटर 10 रुपए का किलो है, यहाँ पे 40 रुपए किलो है, ये कोई जुल्म नहीं तो क्या है? आखिर क्या वजह है कि रावलपिंडी में 10 रुपए में फरोख्त हो रहा टमाटर रावलाकोट तक आते आते 40 रुपए का हो जाता है? आखिर महज 105 किलोमीटर की दूरी तय करते करते दाम 4 गुना कैसे बढ़ जाते हैं? ऐसा महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, और ये बात किसी एक फल या सब्जी की नहीं है, बल्कि दाम में ये फर्क दाल, गोश्त, गंदम हर चीज में नजर आता है। हालांकि सरकारी अफसरान की अपनी दलील है, उनकी माने तो हुकूमत अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है। बदकिस्मती से जब भी रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना उसका आगाज होने लगता है तो मार्केट में जो हमारी बहुत ही बुनियादी जरूरत की अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। हुकूमत आजाद कश्मीर ने एक खसूसी इदारा कायम कर रखा है
AJ&K ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, जो कीमतों के उतार चढ़ाव का जायजा लेता है रेगुलर बने। माह रमजान के आते ही इसमें जो जिसको हम अफरात जर कहते हैं या महंगाई कहते हैं, जो इन्फ्लेशन है, उसकी शरह में 1.03% अलग से इजाफा हुआ। पूरा आजाद कश्मीर बंजर पड़े, कहते आजाद कश्मीर पे हुकूमत तावन करे, जमींदार काम करे, तो किसानों का साथ मदद करे, तो आजाद कश्मीर का ये सब्जी खुद तैयार हो जाएगा। अगर सरकारी एहलकार के दावों में वाकई दम है तो महंगाई बेकाबू क्यों हो गई है? ऐसा आए रोज खासतौर से रमजान में क्यों देखने को मिलता है, जब कुछ भी खरीदना आवाम के लिए चुनौती भरा हो जाता है? वैसे दुकानदारों का कहना है कि महंगाई में उनका कोई हाथ नहीं है, जब उन्हें ही थोक बाजार से महंगा माल मिलता है तो भला वो सस्ते रेट पर कैसे मुहैया करा सकते हैं? जो ही रमजान आता है, हमारे पाकिस्तान के अंदर कीमतों की चीजें, वो जो भी हों, चाहे मेवाजात हैं या फलों सब्जियों की जो भी चीजें हैं, उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, इस वजह से कि बहुत सारा हम माल कमा लेंगे, जिस वजह से हम दुकानदारों के पास जब गाहक आते हैं तो उनको चीजों का, वो चीज जो रमजान से पहले 20 रुपए थी 30 रुपए मिल रही है, अब वो भी हैरान हो चुके, सोचते हैं कि यार ये कीमतें क्यों? असल की इसकी वजह यह है कि हमारी कीमतें पीछे से ही ज्यादा आती हैं, जिस वजह से हम आगे गाहकों को ज्यादा देते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के साथ अव्वल रोज से ही नाइंसाफी होती आई है। रमजान के दौरान भी यहाँ गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। अवाम का कहना है कि ये लोग तो बस यही दुआ करते हैं कि पूरे साल में एक महीने के लिए उन्हें बिजली कटौती से राहत मिल जाए, लेकिन बिजली महकमा वापडा यानी वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चलते उनकी ये हसरत भी पूरी नहीं हो पा रही। रमजान के महीने में मुश्किलों से निजात मिलना तो दूर, उनकी मुश्किलों में इजाफा होता जा रहा है। मुकद्दस माह रमजान के दौरान भी पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम को महंगी होती जा रही खुर्दनी अशिया के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बहरहाल एक बार फिर रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहां अवाम को खाने पीने के सामान की सप्लाई को लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया पूरी तरह से चाक चौबंद है। नतीजतन रमजान के मुबारक मौके पर रोजेदार अपनी मनपसंद खुर्दनी अशिया से रोजा खोल रहे हैं। खाने पीने की इन चीजों में से डेट्स यानी कि लजीज खजूर लोगों की पहली पसंद है, जिसकी मकामी लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। लोगों की जुबान पर अपनी लज्जत बिखेरते खजूर में और क्या खासियत मौजूद है, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। वादी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ बाजारों की दुकानें माह रमजान के दौरान अलग अलग किस्म की खुर्दनी अशिया और मशरूबात से भरी पड़ी हैं। ताहम इन दिनों बाजारों में खजूरों की मांग में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी अहम वजह रोजादारों का सहरी और इफ्तार में खजूर का कसरत से इस्तेमाल करना है। ऐसा ही नजारा श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ बाजारों का है, जहां काफी तादाद में लोग खरीदारी कर रहे हैं। खजूर तो रमजान में बहुत खरीदारी होती है, ये बहुत सारी जगहों से आता है, ये गल्फ से आता है, ईरान से आता है, इराक से आता है, सऊदी से आता है, बहुत सारी मक्का मदीने से आता है, बहुत सारी वैरायटीज होती है इसमें और प्रेफर करते हैं, और सुन्नत रमजान में तो ज्यादा कंज्यूम होता है माशाल्लाह। अभी तो कश्मीर में पूरा 12 महीने डेट्स कंज्यूम होते हैं, पर इस महीने ज्यादा होता है क्योंकि सुन्नत है। रमजान का मुकद्दस महीना खुदा की खुसूसी इबादतों का महीना है। ये महीना नेकियों और बरकतों का महीना होता है। रमजान के दौरान रोजेदार खुदा से कुर्बत हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में तमाम मुसलमान उन बातों पर खास तौर से अमल करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे से मुतालिक फरमाया है। चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि सहरी और इफ्तार में एहतमाम के साथ खजूर तनावल फरमाते थे, लिहाजा हर मुसलमान यही कोशिश करता है कि रोजा खजूर से ही खोले। ऐसे में लोग माह रमजान में खजूर खरीदने को तरजीह देते हैं। ये बेहतरीन चीज है, मैं लोगों से अपील यही करता हूँ, वो खाए, अच्छी तरीके से खाए और खर्च भी करे, खर्च फरोख भी करे, तो इंशाल्लाह ये बहुत बेहतरीन चीज है,
क्योंकि इंशाल्लाह हमारा ये रमज़ान पूरे का महीना इंशाल्लाह और दुआओं में गुजरे तो इंशाल्लाह नेकी लाए इंशाल्लाह और बरकत लाए। गजाइत के लिहाज से भी खजूर को काफी अहम माना जाता रहा है। जिस्म को तवानाई बख्शने के लिए भी खजूर को खूब रगबत से खाया जाता है। खरीदारों की पसंद को देखते हुए यहाँ की मुख्तलिफ दुकानों में मकामी और बैरूनी ममालिक के अजवा, अंबर, कलमी और दूसरी किस्म के खजूरों के अलावा खुश्क मेवे फरोख्त किए जा रहे हैं। इससे दुकानदारों को अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है और लोगों को अपनी पसंद का खजूर भी दस्तियाब हो रहा है। खजूर की अगर बात करें तो ये बहुत फायदेमंद है सेहत के लिए, लेकिन अगर मुसलमान बात करेगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में आया कि वो रमज़ान में बिलखसूस खजूर का इस्तेमाल करते थे, जबकि इफ्तारी होती थी उसमें बहुत किस्म के खजूर वो इस्तेमाल करते थे, इसलिए एक हिसाब से ये सुन्नत भी है। कोरोना वबा से लड़ने में जिसमें इम्यूनिटी बेहद जरूरी है, इसलिए भी खजूर को लोग हाथों हाथ खरीद रहे हैं। काबिल गौर है कि वादी समेत जम्मू कश्मीर के अवाम को रमजान के मौके पर खाने पीने की चीजें अपने वाजिब दाम पर मिल सकें, इस बात को यकीनी बनाने के लिए अशिया की डिमांड और सप्लाई बराबर बनी रहती है। इसके अलावा भी इंतजामिया की जानिब से यही कोशिश रहती है कि हर तबके के लोगों को खाने पीने की चीजें आसानी से फराहम हो सकें, इसके लिए इंतजामिया पूरी तरह से मुस्तैद है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का।